ट्रेन दुर्घटना का सिलसिला थामने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आए दिन कहीं ना कहीं से ट्रेन दुर्घटना का खबर आते ही रहते हैं। हाल ही में राजस्थान में एक ट्रेन दो टुकड़ों में बट गया। ऐसा ही खबर गुजरात के अहमदाबाद से आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक ट्रेन दो टुकड़ों में बट चुके हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में एक ट्रेन पटरी से उतर चुके हैं। मोदी सरकार के दो महीने की हुकूमत में 18 से 19 ट्रेन दुर्घटना हो जाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। 18 जून के दिन कामरूप डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का दुर्घटना हो जाते हैं। 4 आदमी का मौत हो जाते हैं और 31 आदमी से ज्यादा घायल हो जाते हैं, यानी गंभीर घायल हो जाते हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में फिर 20 जुलाई के दिन एक मालगाड़ी का ट्रेन दुर्घटना हो जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, 4 अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश में एक फिर ट्रेन दुर्घटना हो जाते हैं। दिल्ली से सहारनपुर जा रहे थे ये ट्रेन। आप सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और ट्रेन दुर्घटना नहीं हुए, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिर 11 अगस्त के दिन एक मालगाड़ी ट्रेन का दुर्घटना हो जाती है सुनभा ड्रा में। और बिहार का बात करें तो बिहार में 29 जुलाई के दिन संपार क्रांति ट्रेन का दुर्घटना हो जाते हैं। इसी के साथ आप झारखंड का बात करते हैं, 30 जुलाई के दिन, यानी 29 जुलाई को कहां पर हुआ था, बिहार में हुआ था, आप 30 जुलाई को झारखंड में हुए हैं। यहां पर 30 जुलाई में CST एक्सप्रेस ट्रेन का दुर्घटना हो जाते हैं, जिसमें 3 आदमी का मौत हो जाते हैं और 20 से अधिक आदमी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यानी झारखंड में भी दुर्घटना हुए हैं। इसी के साथ अगर बात करें वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा ट्रेन दुर्घटना हुआ था, यानी 2024 में सबसे बड़ा ट्रेन दुर्घटना वेस्ट बंगाल में हुआ था। 17 जून का दिन था। बंगाल के दार्जिलिंग इलाके में कंचनजुंगा एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाड़ी ट्रेन से टकरा जाते हैं। 15 आदमी का मौत हो जाते हैं, 60 से 65 आदमी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ये ट्रेन दुर्घटना बहुत ही भयानक ट्रेन दुर्घटना था। इसी के साथ बंगाल का और भी ट्रेन दुर्घटना का बात करें तो 21 जुलाई को एक मालगाड़ी ट्रेन दुर्घटना बंगाल में हो चुके थे। ये जगह था नदिया में, मतलब बंगाल के नदिया इलाके में ट्रेन दुर्घटना हुआ था। और अगर आप सोचते हैं कि बंगाल में और ट्रेन दुर्घटना हुआ है, तो हाँ दोस्तों और भी हुए हैं। 31 जुलाई को फिर एक मालगाड़ी ट्रेन दुर्घटना बंगाल के दार्जिलिंग इलाके में हो जाते हैं। और दोस्तों आप सोचते होंगे कि बंगाल में और ट्रेन दुर्घटना नहीं हुए हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें 9 अगस्त के दिन बंगाल में फिर एक मालगाड़ी का ट्रेन दुर्घटना हो जाते हैं। ये इलाका था बंगाल के कुमेदपुर में। तो दोस्तों ये ट्रेन दुर्घटना बंगाल में हुए। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं उसी राजस्थान का, जहां पर सबसे पहले हम वीडियो में बताए हैं कि राजस्थान में क्या हुआ था। तो राजस्थान में 31 जुलाई को एक मालगाड़ी का ट्रेन दुर्घटना फिर हुए थे। अगर बात करें कि राजस्थान में और ट्रेन दुर्घटना हुए थे, तो दोस्तों 12 अगस्त को राजस्थान में एक और ट्रेन दुर्घटना हुए थे। हरिद्वार कोटा नंदा देवी ये ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे। हाँ दोस्तों आपके मन में आए कि गुजरात में कौन सा ट्रेन दुर्घटना हुए थे, तो आप सभी को बता दें कि 19 जुलाई को गुजरात में एक ट्रेन दुर्घटना हुआ था। वो मालगाड़ी ट्रेन दुर्घटना गुजरात में भी हुए हैं। अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो मध्य प्रदेश में आपको तो बताएं ना, वीडियो को पहले बताए थे, लेकिन लिस्ट के हिसाब से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 12 अगस्त के दिन एक स्पेशल पैसेंजर ट्रेन का दुर्घटना हुए थे। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सा ट्रेन दुर्घटना हुए हैं। आप सभी को बता दें कि 27 जुलाई के दिन महाराष्ट्र में एक मालगाड़ी ट्रेन दुर्घटना हुए थे। तो दोस्तों आप इस भी बताइए कि देश का कौन ऐसा भाग है जहाँ पर ट्रेन दुर्घटना नहीं हुए हैं। देखिए यार, देश का ना हर एक इलाका में ट्रेन दुर्घटना हुए हैं, इस तरह का हालात है। और हमारा रेल मंत्री क्या कहते हैं आपको पता है, कि ये छोटी छोटी घटनाएं हैं, हमारा रेल मंत्री कहते हैं। तो आप ही सभी बताइए कि इस तरह का ट्रेन दुर्घटना अगर होते रहेंगे, ट्रेन दुर्घटना का सिलसिला जारी रहते रहेंगे, तो हमारा देश का क्या होगा? कहाँ गया हमारा सुरक्षा कवच, यानी ट्रेन का जो सुरक्षा कवच था वो कहाँ गया बताइए। वीडियो अच्छी लगे ना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।